सुनकर यह हैरानी होती है कि आपकी मांगे कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए देश को तोड़ने की बात करना कहां तक जायज है। आप खुद समझ सकते हैं कि दरअसल साजिश बहुत बड़ी है। यही वजह है कि किसान आंदोलन पर सरकार ने बड़ी हुई बातें कही हैं, लेकिन डायरेक्ट इशारा दिया है कि आंदोलन को हाइजैक करने की कोशिश हो रही है और इस नापाक कोशिश की पूरी स्क्रिप्ट विदेश में लिखी जा रही है। आज हम सबूतों के साथ आपको इस विदेशी षड्यंत्र की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाएंगे, कितने किरदार हैं और कहां के ये किरदार, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड है। बाहर एक खतरनाक प्रयोग चल रहा है। ब्रिटेन से अमेरिका तक भारत का दूतावास टारगेट पर है। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा लगातार राउंड लगा रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हर प्रोटेस्ट से पहले स्टेज तैयार किया जाता है। कार पर खालिस्तानी झंडे के साथ गुंडों की एंट्री होती है। ट्रैक्टर पर खालिस्तानी एक्टर बुलाए जाते हैं। विदेशी पुलिस को साइलेंट प्रोटेस्ट के बहाने वर्गलाया जाता है और मौका मिलते ही नकाबपोश खालिस्तानी गैंग का सदस्य अपना लाउड स्पीकर ऑन कर देता है। कुछ घंटों पहले बर्मिंघम में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर बिल्कुल यही हुआ। गंदी हुकूमत का लालच नहीं, असीं तुहानू एक गल कहना चाहुंदे आ कि जे तुसीं साडे किसान वीरां नाल कीता है, असीं तुहाडी असेंबली तुहाडी इस कौंसलर ते नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा। सड़क पर उतरने से पहले बंद कमरों में वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है। वी सपोर्ट फार्मर्स के नाम पर बार बार खालिस्तान की आजादी के पोस्टर्स लहराए जाते हैं। आज देश के किसान भाई सुने कि बाहर बैठा खालिस्तानी कौन सा पोस्टर ट्रैक्टर पर चिपकाने की सलाह दे रहा है और क्यों नारे लगा रहा है। इंडिया फ्री, खालिस्तान सेल्फ डिटरमिनेशन नाउ, कौमी आजादी नु समर्पित, 10,000 बंपर स्टिकरां दा लंगर 10 दिसंबर नु रैली मौके लगाया जा रहा है। दल खालसा लायंस दी टीम तो एह स्टिकर प्राप्त करके वध तो वध अपनियां कारां ट्रकां ट्रैक्टरां ते लगा के कौमी आजादी दे प्रचार प्रसार दा सूरज हिंदू राष्ट्र दी हिक ते चढ़ा दिओ। किसान मजदूर जिंदाबाद, खालिस्तान हिंदू राष्ट्र राम राज। वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, भारत विरोधी एक एक नारेबाजी, मोदी विरोधी एक एक शब्द, सबकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से होते हुए खास अड्डों तक पहुंचती है और ऑर्डर मिलते ही ये गैंग भीड़ का हिस्सा बनकर एजेंडा चलाने लगती है। यकीन नहीं होता तो शिकागो की ये तस्वीरें देखिए। एक हाथ में किसान वाले पोस्टर बैनर और दूसरे हाथ में खालिस्तान का पीला झंडा। रही बात नारेबाजी की तो ध्यान से सुनिए, किसानों के नाम पर विदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है। किसान एकता, साडे हक, साडे हक, साडे हक, साडे हक,
ਨੇ ਲੰਡਨ, ਬਰਮਿੰਗਮ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇਂ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਕੋ ਕਾਰ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਔਰ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀਯ ਵਾਣਿਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਥੀ। लेकिन कार, ट्रैक्टर और ट्रक वाली रैली के पीछे का असली गेम तब समझ में आता है जब ये भीड़ सड़क पर उतरती है। कनाडा से आए इस वीडियो में किसानों का इस्तेमाल किस घटिया अंदाज में किया गया, ये समझने के लिए आपको ऑडियो सुनना होगा। वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे शख्स की बातें सुननी होगी, लाउड स्पीकर से क्या कहा गया ये देखना होगा। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਫੂਲ, ਲੋਕੋ ਕੀ ਫੂਲ, ਗੱਡਖਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਗੋਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਐਲੀ ਆ ਬਾਈ ਮੋਦੀ ਸਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੋਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਹ ਚੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਆਹ ਚੱਕ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। जो शख्स ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो 15 मिनट के इस वीडियो में एक बार भी कैमरे के सामने नहीं आया। उसने सिर्फ एंटी मोदी पोस्टर्स को रिकॉर्ड किया, मोदी विरोधी नारों को अपनी आवाज दी। इसकी बातों से साफ था कनाडा के वैंकूवर में हुए ऐसे प्रोटेस्ट में एंटी इंडिया गैंग सिर्फ मोदी का विरोध करने पहुंचा था, फिर चाहे आवाज भले ही चली जाए। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਅੜੀਆਂ ਮੋਦੀਆ, ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਖ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਜੰਗ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਮੋਦੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਮਕਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਆਹ ਖੜਾ ਮੋਦੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ। ਮੋਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी विरोध प्रदर्शन हुए, मगर इन तस्वीरों का एजेंडा दूसरी तस्वीरों से थोड़ा अलग था। कृपा करके ये जरूर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पंजाब का हमेशा सवाल उठता है कि ये पंजाब में से क्यों बगावत शुरू होती है। बगावत नहीं शुरू होती, पंजाब से क्रांति शुरू होती है। जब आपको चाहिए पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर, आप लोग बोलते हैं पंजाब रेजिमेंट आए। जब आपको चाहिए चाइना के बॉर्डर पर, आप कहते हैं पंजाब के लोग आए। जब आपको चाहिए देश में कुछ नहीं कुछ सुरक्षा, लंगर, सब पंजाब के लोग। और जब पंजाब के लोग हम कहते हैं कि हमें अपने किसानों के लिए, हमारी बैकबोन जो ये लंगर दुनिया में चल रहे हैं, उनके लिए मदद चाहिए, आपने क्या किया? जो खुदकुशियां हो रही थी पंजाब में तकरीबन पिछले 18 सालों से, इनफैक्ट 1984 का मुद्दा जो तरमयुद्ध मोर्चा था वो शुरू ही किसानी इश्यूज के ऊपर हुआ, रिवर क्राइसिस, एग्रेरियन क्राइसिस के ऊपर हुआ। सो मैं चाहना है जितने जितने अपने वीर ने बहुत बढ़िया गल है। बातें सुनकर किसी को भी लगेगा कि इस प्रदर्शन में सब कुछ सामान्य था, वो बात दूसरी है कि इसी भीड़ में शामिल होकर कुछ भारत विरोधी तत्व प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे पोस्टर्स लहराते हैं जिन्हें बिना सेंसर किए दिखाया भी नहीं जा सकता। अब वॉशिंगटन डीसी से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर मौजूद न्यूयॉर्क से आए इस वीडियो से आ रही आवाजें सुनिए। कैसे पीले झंडे के नीचे किसान आंदोलन के नाम पर CAA NRC वाला प्लान एक्टिव कर दिया गया। साफ है कि तो देश विरोधी देश है, यानी कि हमारे भारत के विरोधी जो देश है वो कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे इसी तरह के गुटों को कहीं ना कहीं वो उकसा रहे हैं ताकि वो भारत के खिलाफ और साथ ही साथ भारत को तोड़ने के इस एजेंडे को कामयाब कर सके। लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे।
दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली मार्च शुरू कर दिया है। पूरी